अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस से। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि लाइट सीरीज़ के बैरिंग का ओडी हमने कैसे निकालना है। इससे पहले मैं हैवी सीरीज़ और मीडियम सीरीज़ पे दो वीडियोस डाल चुका हूं, और ये मेरे एक दोस्त आर के रूना की फरमाइश पे मैं बताऊँगा कि हम 270 प्लस बैरिंग के इन टाइप्स के बैरिंग यानी सेल्फ लाइन बॉल बैरिंग हो गया, स्फेरिकल रोलर बैरिंग हो गया, टेपर रोलर बैरिंग हो गया, थ्रस्ट बॉल बैरिंग हो गया, डीप ग्रूव बॉल बैरिंग हो गया, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बैरिंग के हम ओडी किस तरह निकालेंगे। इस वीडियो के ज़रिए आप 200 mm यानी 8 इंच तक के ओडी आसानी से बता सकेंगे 270 बैरिंग्स के। और जो इसकी लिस्ट है आप वो देखिएगा, ये बैरिंग्स की है। ये एक आप वीडियो देखेंगे तो इसके बाद आप इजली इन सब बैरिंग्स के ओडी आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बैरिंग स्फेरिकल रोलर को समझाने के लिए यहाँ पे आपको लेते हैं। मिसाल के तौर पे 22-222 से लेके 22-215 तक के जितने भी स्फेरिकल रोलर बैरिंग हो या किसी टाइप की बैरिंग हो, उनके लिए जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा उसके दो आखिरी डिजिट को आपने 10 से ज़रब करना है और फिर उसमें से -20 कर देना है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि 22-222 है, इसमें आप क्या करेंगे कि आखिरी दो डिजिट यानी 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से फिर -20 कर देंगे तो आपका ओडी आ जाएगा 200 mm। इसी तरह आप 22-221 का आ जाएगा 190 mm, इसके बाद 22-220 का 180 mm आ जाएगा, 22-219 का 170 mm आ जाएगा, 22-218 का 160 mm आ जाएगा, 22-217 का 150 mm आ जाएगा, 22-216 का 140 mm आ जाएगा और 22-215 का 130 आ जाएगा। ये स्फेरिकल रोलर बैरिंग था जो 222 से शुरू होता है। अगर 232 से शुरू होने वाले स्फेरिकल रोलर बैरिंग में भी यही फार्मूला लगेगा, और 292 यानी इसमें भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अगर आप एंगुलर कॉन्टैक्ट में भी चाहें, टेपर रोलर बैरिंग में भी चाहें, इसके अलावा सेल्फ लाइन लाइनिंग बॉल बैरिंग को भी आप देखना चाहें, या आप एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बैरिंग को देखना चाहें, उन सब में यही फार्मूला लगेगा। तो इस तरह हमें ये एक तो -20 करने से हमें इनका डाया मालूम हो गया। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, 22-214 जो बैरिंग है, यहाँ पे आपने 20 नहीं करना, आपने यहाँ पे 15 कर देना आखिरी में। तो इसका जवाब आएगा 22-214 यानी 14 ज़रब 10 और इसमें से -15 करेंगे तो 125 mm आ जाएगा। चाहे आपका एक टेपर रोलर बैरिंग हो या किसी टाइप का, सब में यही फार्मूला लगना है। अब आप आगे मज़ीद देखें, 22-213 से लेके 22-210 तक जो होगा, यहाँ पे अब -15 के बजाय हम आखिर में दो डिजिट को 10 से ज़रब करके -10 करेंगे। यानी शुरू में -20 था, फिर -15 हो गया और अब -10 हो गया। तो 22-213 का जो जवाब आएगा, 13 × 10 उसमें से यानी 130 और उसमें से -10 करेंगे तो 120 mm आपका जवाब आ जाएगा। इस तरह 22-212 का आपका 110 mm आ जाएगा, 22-211 का 100 mm आ जाएगा, 22-210 का 90 mm हो जाएगा। इसके अलावा 22-209 का, अब आपने यहाँ पे 10 के बाद आपने फिर ग्रेजुअली कम करते -5 कर देना है तो आपका ये 85 mm हो जाएगा। ये तो थे पूरी डिटेल जो माइनस किए जा रहे थे। अब आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, प्लस करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। अब अगर 232 स्फेरिकल रोलर होगा उसको भी फार्मूला लगेगा, 292 को भी यही फार्मूला लगेगा, इवन आप डीप ग्रूव बॉल बैरिंग हो गया, टेपर रोलर बैरिंग हो, कोई भी जो मैंने आपको लिस्ट में बताया, उन सब पे यही एप्लीकेबल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद। अब आप देखिए 22-208, पहले हमने सारा उसमें से माइनस किया था, आखिरी दो डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया था, -20, -15, -10, -9। अब हम 5 और हम अब जाएंगे प्लस की तरफ। तो आप देखिएगा यहाँ पे जब हमने 22-208 को दो आखिरी डिजिट को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और आगे समझाने के लिए प्लस जीरो किया, ना भी होता तो आप इसको यही समझते कि ये जो है आपका, इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 80 ज़रब 10 प्लस 0, इसका मतलब 80 mm। ठीक है,
अब आपने इस तरह ही आगे फिर बढ़ना है, 22207 से लेकर 22205। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आखिरी दो डिजिट को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें दो ऐड कर देना है। तो आपका क्या होगा, 22207 का जो जवाब आएगा 7 ज़रब 10 और +2=72 mm। इसी तरह ही 22206 का 62 mm हो जाएगा और 22205 का 52 mm हो जाएगा। ये तो था 222 सीरियल। अब 232 या 292 ये स्फेरिकल रोलर में हो गए, या आपके थ्रस्ट बॉल बैरिंग हो गए, या आपके टेपर रोलर बैरिंग, जो भी है उन सब में यही फार्मूला लगेगा। अब मैं आपको एंड पे ये स्कोर क्लियर करने के लिए बताऊंगा कि ये मैंने स्फेरिकल रोलर बैरिंग 222, 232, 292 से जो मैंने ODs निकाले हैं ये सामने लिख दिए। अब यही आप देखेंगे इन सब पे एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह मेरे दोस्तों आपको 270+ बैरिंग के ODs निकालने का एक ट्रिक कह लें, फार्मूला कह लें, आपके हाथ लग गया है। इसके लिए आपको किसी वर्नियर कैलिपर या इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जस्ट ये तीन चार चीज़ें आपने याद करनी है तो आप इसको इजीली बता देंगे। तो मैं अपने इंडियन भाइयों का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने काफ़ी कमेंट्स किए और काफ़ियों की इसकी फरमाइश थी, मैंने उन्हीं के लिए उनकी फरमाइश पे ये इसमें अपलोड कर दी है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।